नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ रश कुमारी। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार प्रदेशवासियों का दिल जीतने में लगी हुई है। जनता के दिल में बसने के लिए कांग्रेस सरकार वो तमाम योजनाएं भी चला रही है, जिसके चलते जो चेहरे अब तक मायूस थे उन पर भी मुस्कान आ गई है। वहीं अब भूपेश सरकार ने ऐसा काम किया है जिससे छत्तीसगढ़ियों को ये एहसास होने लगा है कि ये सरकार उनकी अपनी सरकार है। आखिर भूपेश सरकार ने ऐसा क्या किया है, तो चलिए ये जानने के लिए शुरू करते हैं खास पेशकश। ये है छत्तीसगढ़ियों की सरकार। भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ियों की सरकार है, अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए इस पर ज्यादा सोच विचार मत कीजिए, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, यहाँ के लोगों को लगने लगा है कि यह छत्तीसगढ़ियों की सरकार है। और जब यहाँ के मुखिया खुद हर एक कार्यक्रम में शिरकत कर ठेठ छत्तीसगढ़ी भाषा में भाषण देते हो, तो ऐसा लगना लाजमी भी है। दरअसल इन सब बातों का जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों प्रदेश में छत्तीसगढ़ी फिल्म हंस झन पगली फंस जबे रिलीज हुई है और यह फिल्म लोगों को इतनी पसंद आ रही है कि काफी साल बाद मल्टीप्लेक्स में किसी छत्तीसगढ़ी फिल्म को देखने के लिए लोगों की लंबी कतारें थी। खुद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल इस फिल्म को देखने मल्टीप्लेक्स पहुँचे। उनके साथ मंत्री मोहम्मद अकबर और टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे। फिल्म देखने से पहले उन्होंने बकायदा फिल्म के निर्माता और निर्देशक का सम्मान भी किया। उसके बाद अपने मंत्रियों के साथ उन्होंने पूरी फिल्म देखी। फिल्म देखने के दौरान सीएम ने हॉल में ही कलाकारों के साथ सेल्फी भी खिंचाई। फिल्म देखने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने फिल्म की जमकर तारीफ की। बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, रोमांस है, थ्रिल है, एक्शन है, जो एक मनोरंजक फिल्म चाहिए वो सारे कुछ है। बहुत बढ़िया फिल्मांकन भी हुआ है और साइट सिलेक्शन भी बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ में ही फिल्म आया गया है और चाहे यहाँ के पहाड़ हो, जंगल हो, यहाँ के जो बांध है, बहुत बढ़िया साइट सिलेक्शन हुआ, बहुत बढ़िया फिल्मांकन हुआ। बधाई। ऐसे प्रेम भरी कहानी जिसमें बच्चे हम लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, पूरे समाज की दूरियों को गले मिलने पे मजबूर कर रहे हैं, ऐसा सुंदर चित्रण इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मैं आभारी हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी का कि ऐसी पिक्चर को प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्वयं समय देकर उन्होंने पूरी पिक्चर भी देखी और हम सबको साथ ला के ये पिक्चर भी दिखाई। बहुत अच्छी पिक्चर है और माननीय मुख्यमंत्री जी टीएस बाबा साहब आके इसको प्रोत्साहन दिए हैं। बहुत अच्छी पिक्चर बनाया है और पूरी उम्मीद है कि सफल होगी। और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी है, फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तो बन चुका, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ जरूर करेंगे। ये पहला मौका था जब छत्तीसगढ़ी सिनेमा को प्रोत्साहित करने के लिए कोई मुख्यमंत्री मल्टीप्लेक्स तक पहुंचा हो। मुख्यमंत्री का मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने जाना उन सभी मल्टीप्लेक्स संचालकों के लिए एक संदेश है जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों को उपेक्षित करके रखे हुए हैं, जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों को प्रदर्शित नहीं करते। वहीं ये उन सभी छत्तीसगढ़ी सिने कलाकारों का सम्मान है जिन्हें मल्टीप्लेक्स में फिल्म लगाने के लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़ता था। कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की इस पहल से कलाकारों को ताकत तो मिली ही है, साथ ही उनके विरोध को भी बल मिला है। बीते 15 सालों में अगर छत्तीसगढ़ के कलाकारों और छत्तीसगढ़ी फिल्मों को बढ़ावा दिया जाता तो आज स्थिति कुछ अलग होती। खैर, अब कलाकारों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पूरा भरोसा है कि वो छत्तीसगढ़ी फिल्मों की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से हेमंत शर्मा के साथ रूपेश गुप्ता की रिपोर्ट। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से भूपेश सरकार को छत्तीसगढ़ियों की सरकार कहा जा रहा है।
छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार प्रदेशवासियों का दिल जीतने में लगी हुई है। जनता के दिल में बसने के लिए कांग्रेस सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, जिसके चलते जो चेहरे अब तक मायूस हुआ करते थे, जिन चेहरों पर मायूसी छाया करती थी, उन पर भी अब मुस्कान लौट आई है। वहीं अब भूपेश सरकार ने ऐसा काम किया है जिसके चलते छत्तीसगढ़ियों को ये एहसास होने लगा है कि ये सरकार उनकी अपनी सरकार है। तो मल्टीप्लेक्स में लगी छत्तीसगढ़ी भाषा की फिल्म देखने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, साथ ही टीएस सिंहदेव और मोहम्मद अकबर पहुंचे। सोचा भी नहीं था किसी ने कि वाकई में मुख्यमंत्री खुद फिल्म देखने के लिए पहुंचेंगे, और जब फिल्म के कलाकारों ने उनको न्योता दिया था तो उनको भी इस बात का एहसास नहीं था कि वाकई में मुख्यमंत्री फिल्म देखने के लिए आएंगे। मुख्यमंत्री मल्टीप्लेक्स पहुंचे, उन्होंने उनके साथ जितने तमाम लोग थे उनके खुद के टिकट भी कटवाए, और उसके बाद वहां के कलाकारों को इस बात की जानकारी हुई कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। भूपेश सरकार है छत्तीसगढ़ियों की सरकार। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गया है। तारुफ आपका करवा देते हैं। हंस जन पगली फंस जबे के निर्देशक, आपको बता दें सतीश जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी बहुत स्वागत है। छालीवुड एक्टर पुष्पेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। पुष्पेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और एक्ट्रेस अनिकृति चौहान भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनिकृति आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिल्म समीक्षक और वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी। तो दुबे साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं अनिरुद्ध जी आपके पास आना चाहूंगी कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि पहली मरतबा छत्तीसगढ़ में, वो भी मल्टीप्लेक्स में, कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म रिलीज हुई है। अनिरुद्ध जी से किया मैंने। अनुकृति आपको मेरी आवाज मिल रही है? अनुकृति क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी बोलिए। अनुकृति, क्या आपने सोचा था कि आप लोगों ने न्योता दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कि फिल्म के लिए आए, और क्या आपने सोचा था कि वाकई में मुख्यमंत्री आएंगे और साथ ही खुद अपना टिकट कटाएंगे और फिर मूवी भी देखेंगे? ये बात हमारी टीम के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उम्मीदें तो नहीं थी, हमने मतलब खुद से इन्विटेशन दिया था, उसके बाद उनको इनविटेशन देने के बाद हम होपली बैठे थे कि वो हमको बोलेंगे कि हम ये फिल्म देखने आ रहे हैं, और सडन कल ऐसा हुआ कि हमको पता चलता है कि स्वयं सर भूपेश बघेल जी खुद टिकट करवा के वो फिल्म देखें, और पूरी 2 घंटे 10 मिनट की फिल्म उन्होंने देखा, और भी जितने मंत्रीगण आए थे उन सब ने भी ये फिल्म पूरी देखा, और ये हमारे लिए नहीं पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। जी बिल्कुल। पुष्पेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से देखते हैं कि पहली मरतबा मल्टीप्लेक्स में छत्तीसगढ़ी भाषा की एक तो फिल्म रिलीज होती है, और मुख्यमंत्री स्वयं इन, अगर हम जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है तब से लेकर अभी तक की बात करें तो मुख्यमंत्री खुद जाते हैं फिल्म देखते हैं, कितना मतलब आप लोग किस तरह की ये फीलिंग्स है, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं इस वक्त आपको? हमारे सबसे पहली बात तो ये है कि 2001 से 3 में हमारे कांग्रेस सरकार रही से, और कांग्रेस सरकार जैन रही से वो बेरा में भी बेरा के मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी फिल्म देखे पर गए रही थी, और अभी जब फिर हमारे कांग्रेस सरकार आए है, भूपेश बघेल जी के सरकार आए है, एमा सबसे बड़े काम ये है कि हमारे छत्तीसगढ़िया कलाकार मन से रूबरू होके ओ मन से मिल के पहली भी मंत्री मन तामध्वज साहू जी सबसे ओकर दुख दर्द के जानकारी ले है 6 जून के, और अब ओकर बाद मुख्यमंत्री जी हमारे एक बहुत बड़े तोहफा दे है कि भूपेश भैया खुद फिल्म देखे पर हमार आगे है मल्टीप्लेक्स में देखे पर आए रिन, और सब कलाकार मन ला बड़ा सराहना करीन है, उनका आशीर्वाद दिन है, और एक चीज समझ में आते
कि छत्तीसगढ़िया जन सरकार जिला कहते हैं वो कांग्रेस की सरकार है, और एमा सबसे बड़े सुखमोला लगते कि जब मुख्यमंत्री जी आगू बढ़ के, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी आगू बढ़ के, हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री जी आगू बढ़ के, और साथ में रुचिर गर्ग जी और साथ में विनोद वर्मा जी भी आए रही और सब जन मिल के छत्तीसगढ़ी भाका की ये फिल्म ला देख के जब का बात करी ने ओला आगू ले जाए बर सब जन बात करी ने कि हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म ला बढ़ावा देना है, ओकर बर काम करना है, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ में सिनेमा के 2,500 कलाकार है लेकिन जम्बो कलाकार मन ला गिनबो तो 1-2 लाख के आसपास हुई, तो सब कलाकार मन पर काम करना है। और हमन ला 15 बच्चर ले ये उम्मीद रही से कि कोनो कुछ करी कोनो कुछ करी, लेकिन अभी तक नहीं हो रही से। ये मात्र 6 महीना में हमारे भूपेश सरकार हा, भूपेश भैया के कांग्रेस सरकार हा ये काम ला कर दिखाई, ये हमारे पर बहुत बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल सतीश जी, क्योंकि ये आपकी फिल्म है और एक कहा जाता है कि भाई मेहनत बहुत लगती है, आपको तमाम चीजों पर स्टडी भी करना पड़ता है, एक्टर एक्ट्रेस से लेके डायलॉग तमाम चीजें, फिर वो तमाम संसाधन भी जुटाना। जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपकी फिल्म देखने के लिए पहुंचे थे, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी वो अनुभव कैसा था और आप लोगों को कितना प्रोत्साहन मिल रहा है, क्योंकि आप 15 साल प्रदेश में रमन सरकार भी रही है, उस वक्त किस तरह की परिस्थितियां हुआ करती थी और इन 6 महीनों में आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? बहुत बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं मैडम। हम लोग पिछले 15 सालों में रमन जी के पास कई बार गए, अपनी मांगे लेके अपनी बात कभी सुनी, न उन्होंने कभी हमारी फिल्मों को देखा, न कभी हमें प्रोत्साहित किया, रमन जी ने कभी नहीं किया। और ये 6 महीने में जो छत्तीसगढ़ की अभी जो नई सरकार आई है भूपेश बघेल जी की सरकार, उसमें उन्होंने 6 महीने के अंदर, अभी हम लोगों ने मांग रखी थी मल्टीप्लेक्स में फिल्म दिखाने के लिए, तो ताम्रध्वज साहू जी ने एक्साइज कमिश्नर के पास एक मीटिंग रखवाई हमारी और मल्टीप्लेक्स वालों की, उन्होंने सिंसियरली बहुत सीरियसली इस बात को लिया और हमारी मीटिंग रखवाई। वहां पर एक्साइज वालों ने साफ साफ मल्टीप्लेक्स वालों से कह दिया कि छत्तीसगढ़ी फिल्में तो आपकी लगानी पड़ेगी, ये 1952 का सिनेमा एक्ट भी दिखाया, हम आपके ऊपर जोर जबरदस्ती भी कर सकते हैं लगवाने के लिए, इसलिए आप लोग चुपचाप लगाइए इनकी फिल्में, आप सारी भाषाओं की फिल्में लगाते हैं, इनकी फिल्में क्यों नहीं लगाते। उसका असर उनके ऊपर हुआ, ये ताम्रध्वज साहू जी और भूपेश बघेल जी के इशारे पे ये मीटिंग रखवाई गई थी। उसके तुरंत बाद देखिए, उसके ज्यादा दिन नहीं गुजरा है अभी, उसके बाद तुरंत बाद ताम्रध्वज साहू जी ने पिछले इसी महीने की 6 तारीख को हम लोगों के साथ फिर एक मीटिंग की और हमारी मांगे रखी, हम लोगों ने अपनी मांगे रखी, हमारी बातें सुनी। उसके ज्यादा दिन नहीं हुआ है मैडम, अभी 6-7 दिन हुआ है कि मुख्यमंत्री जी अपने पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ हमारी फिल्म देखने आते हैं, एक छत्तीसगढ़ी फिल्म देखने मल्टीप्लेक्स में जाते हैं। ये भी एक इशारा है मल्टीप्लेक्स वालों को कि देखो हम पसंद करते हैं मल्टीप्लेक्स देखना, हम ऐसा नहीं कि हम भी मल्टीप्लेक्स में आते हैं, हम मल्टीप्लेक्स, हम मैं भी छत्तीसगढ़िया हूँ और हम छत्तीसगढ़ी मल्टीप्लेक्स में भी फिल्म देखने आते हैं, और वहाँ पर मल्टीप्लेक्स में फिल्म जो हमारी लगी वो हाउसफुल चल रही है, एडवांस बुकिंग है, 1 दिन पहले ही पूरे टिकटें बुक हो जाती है। तो जब मुख्यमंत्री जी ने टिकट बुक करनी चाहिए तो उनको उतने टिकटें नहीं मिली, उनको सिर्फ 15 सीटें मिली जो उन्होंने खाली रखी हुई थी, और उससे ज्यादा टिकट बाकी पूरे जनता जो थी जिन्होंने पहले से एडवांस बुकिंग में टिकटें कटा ली थी उनके साथ बैठ के उन्होंने फिल्में देखी। ये बहुत बड़ी बात थी दर्शकों के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ियों के लिए। भूपेश बघेल जी ने साबित कर दिया कि वो पक्का छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है, जो छत्तीसगढ़ियों के दर्द को, तकलीफ को, हमारी इंडस्ट्री के दर्द को समझते। ये 6 महीने में इतना कुछ किया इस सरकार ने हम लोगों के लिए, हमको पूरा विश्वास है कि आगे भी वो हमारे लिए करेंगे जिसका वादा भूपेश जी ने किया है। बिल्कुल, मेरा सवाल भी यही था और सवाल पूछने से पहले सतीश जी आपने इस बात का जवाब भी दे दिया। अब मेरा आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या भविष्य देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ में, आप छत्तीसगढ़ी फिल्म का? बहुत भविष्य मैडम, ये जो फिल्म है हंस जन पवि, आप पिक्चर का नाम गलत लेती है, आपको मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप फिल्म का नाम गलत लेती है, आप हंस जन पगली फंस जावे बोलती है, ऐसा नहीं है, हंस जन पगली फंस जावे इस पिक्चर का नाम। माफी चाहूंगी, एक्सेंट में गलती हो सकती है क्योंकि छत्तीसगढ़ी मुझे आती नहीं है सतीश जी, इस वजह से एक्सेंट में गलती हो सकती है, उसके लिए क्षमा याचना। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप भोपाल से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी बिल्कुल, मैंने थोड़े दिन छत्तीसगढ़ में रहूं तो आप ये जो फिल्म है छत्तीसगढ़ी, ये जो फिल्म है हर जगह पर फंस जाते हैं जी, बिल्कुल रहेगी कि छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ी बोली भी सीखूं,
कोशिश यही रहेगी। अनिरुद्ध जी, आपका रुख करना चाहूंगी, बतौर वरिष्ठ पत्रकार, बतौर फिल्म समीक्षक है, किस तरह से अब आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की जो इंडस्ट्री है उसको? देखिए, मैं 2000 से अभी तक की बात करूं तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा 3 बार करवट लिया। सन 2000 में मोर छैया भुइया, मोर छैया भुइया के डायरेक्टर थे सतीश जैन जी। 2008 में मया आई, सेकेंड बार छत्तीसगढ़ी सिनेमा ने करवट लिया, उसके डायरेक्टर थे सतीश जैन जी। 2019 हर जन फगली हर जबे ये आई, स्वभक्त ने करवट ली, छत्तीसगढ़ी सिनेमा ने करवट लिया, इसके डायरेक्टर है सतीश जैन। मतलब 3 बार छत्तीसगढ़ी सिनेमा के दौर को जो है परिवर्तित, एक परिवर्तन लाने में जो भूमिका रही वो सतीश जैन जी निभाते रहे हैं। वैसे तो हमारा जो है छत्तीसगढ़ी सिनेमा का इतिहास बहुत समृद्ध है। 1965 में पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कई देवे संदेश आई थी, 1971 में घर द्वार आई, और सन 2000 से कंटिन्यू सिनेमा बन रहा है। लेकिन जो अभी हर जन पगली फलसर है, ये जो एक वातावरण बना है, एक जो एक परिदृश्य उभर कर सामने आया है, और जैसे सरकार जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा के साथ जो खड़ी नजर आ रही है, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ सिनेमा हर जन पगली फलसर को देखने के लिए कल मल्टीप्लेक्स में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी, वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी, रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे जी, ऐसा दृश्य छत्तीसगढ़ी सिनेमा के इतिहास में पहली बार देखने में आया है। और ये भूपेश बघेल जी ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री होंगे कि जिन्होंने बैठ के पूरी फिल्म देखी, और कुल मिला के ये सब संकेत देता है कि छत्तीसगढ़ सरकार के जो मंत्री पद पर भी जो लोग बैठे हुए हैं उनका छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति रुझान और लगाव तो दिख ही रहा है, और छत्तीसगढ़ी भाषा पे वो जोर दे रहे हैं, और भाषा के जोर देने के साथ साथ वो छत्तीसगढ़ी सिनेमा पर भी जोर दे रहे हैं। और ये एक बहुत अप्रतिम अवसर है, ये सुखद संयोग है, और आने वाला भविष्य छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए काफी उज्जवल नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि लग भी रहा है अनुकृति, क्योंकि युवा कलाकार हैं आप, और किस तरह से क्या कुछ दिक्कतें आप लोगों को पहले हुआ करती थी, और अब जिस तरह से अब आप लोगों की जो फिल्म रिलीज हुई है, मुख्यमंत्री खुद आप लोगों की फिल्म देखने के लिए पहुंचे थे, बातचीत हुई होगी, क्या कॉन्वर्सेशन हुआ, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ वो तमाम अनुभवों को आप साझा करें। अनुभव बहुत अच्छा था। जब भूपेश बघेल जी को मैंने फर्स्ट टाइम मिला ऑन स्क्रीन, जब हम लोग अंदर गए मिलने के लिए उनसे, तो वो हमको ऐसा लगा ही नहीं कि हम सीएम से मिल रहे हैं। वो एकदम दोस्त के नाते हमसे बात किए कि आप इस फिल्म की अभिनेत्री हैं, और मेरे जो भाई का करेक्टर किया उनसे भी एकदम दोस्त जैसे उन्होंने बात की, और ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि वो युवा से बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, और हमारे मतलब जो छत्तीसगढ़ की जो युवा जनता है, दर्शक है, मेरे को लगता है कि इस चीज को और इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट करेंगे और प्रोत्साहित होगी हमारी युवा इंडस्ट्री। और बहुत जल्दी मेरे को लगता है कि जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल हमको करना पड़ा है वो आगे के जो हमारी आगे की जनरेशन जो काम करेगी उनको शायद ना करना पड़े, तो इसी उम्मीदों के साथ मैं काम कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। और जो भी हम लोग डिसीजन करते हैं या लेते हैं, आंदोलन में भी मैं हर जगह रही, और मुझे आंदोलन करने के बाद ये अनुकृति आंदोलन का जिक्र आप कर रही हैं, अब लग रहा है कि भूपेश सरकार आने के बाद आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद जो मतलब आंदोलन हुआ उसके बाद जो मल्टीप्लेक्स वालों का जो वो रहा सपोर्ट रहा, और जो उन्होंने लगाई पिक्चर वो देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। जी अनुकृति, फिल्म का कोई फेमस डायलॉग वो भी छत्तीसगढ़ी भाषा में? फिल्म का फेमस डायलॉग मेरे डायलॉग ही नहीं है, मैं पहले बता दूं, फिल्म में बहुत कम डायलॉग है कि मेरा पिताजी के सामने मैं अपनी मुंह नहीं खोलती, और अपने भाई के सामने भी मैं मुंह नहीं खोलती हूँ। चलिए जी, पुष्पेंद्र जी यहीं बैठे जी, पुष्पेंद्र जी इसलिए शायद वो बोल नहीं रही है। नहीं ऐसे बात नहीं है, हमारे एक ही डायलॉग है फिल्म में, बहुत उभरता कलाकार है ये अनुकृति जी, और एक मैं एक चीज बोला था कि जत का सभ्यता से एक ही डायलॉग है मेरा, बहुत अच्छा डायलॉग है, काम करते जी, जी, जी मन भागे के गलत रही से तो मैं भाग गया हूँ, अब मोला घर जाए के मन कर रहे थे।
जी अनुकृति, बहुत शानदार। हालांकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक्सेंट आपका बहुत अच्छा लगा मुझे। पुष्पेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ी कलाकार मन में एक बहुत अच्छा चीज है कि ओमन अपन मन से काम करते। आप कहूं भी जाके देख लो, कोनो कलाकार हो, चाहे सिनेमा का हो, चाहे लोक रंग के कलाकार हो, लोक मंच के कलाकार हो, ओमन सब अपन अपन काम बूतला बहुत अच्छा से जानते और अपन भाखा ला बढ़ाए बर बहुत काम करते। जी, जैसे हमार भूपेश सरकार आए ओकर बाद तो हमन ला एक हिम्मत आगे। पहले मैं भी इंटरव्यू देत रहे हूँ तो छत्तीसगढ़ी में नहीं देत रहे हूँ, काबर की मोर टूटे फूटे छत्तीसगढ़ी रीस है। अब मैं सोच ले हूँ कि टूटे फूटे रहे चाहे कुछ रहे, हमार सरकार है जे हमन ला सपोर्ट करते, तो हमन काबर ओकर बोली भाका में बात करके ओला सपोर्ट नहीं करबो। और मल्टीप्लेक्स वाले मन के जेन भी रीजन है चाहे कुछ काम करीन है, लेकिन भूपेश सरकार है डिक्लेयर कर दे है, क्लियर कर दे है कि अब छत्तीसगढ़िया मन के छत्तीसगढ़ में चल ही। एक कारण से आज हर जन पगली फंस जावे, आपका हित होते। दूसरा कारण है सतीश जैन साहब अतका बड़े डायरेक्टर है और सोचे समझे फिल्म बनाते, जनता के हमार जनता जनार्दन के नस्ल पकड़ के फिल्म बनाते। ओकर संगे संग में मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जितका दिन हुए है चाहे सरकार राज्य बने के बाद ले अभी तक में सतीश भैया के जैन फिल्म रही से तेन बहुत हिट हुए है। काबर कि सीधा सीधा सतीश भैया छत्तीसगढ़िया मन के दिल पे चोट करते, दिमाग पे नहीं। दिमाग ला वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करे, काबर की दिल में चोट होते तो आदमी मन देखते। ऐसे ही अभी मैं भी एक फन फिल्म बनाया हूँ, जस्ट एकर बाद आई रंगोबती। तो मुला लगते कि अब छत्तीसगढ़ी जनता जाग गए है, जेन हसजन पगली लात का माया दे है ओकर आधा सुधा माया तो रंगोबती मिल जाएगी। तो हमार छत्तीसगढ़ी फिल्म आगू आगू चल ही, हमार भूपेश भैया, हमार तामध्वज साहू जी और मंत्रिमंडल मन के लोग हमार आगू में चलत रही, तो हम कलाकार मन के सुख दुख के ख्याल रखैया मन आगे है। एच मुला बड़े सुख लागत है। जी बिल्कुल सतीश जी, जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि किस तरह से मतलब आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से बॉलीवुड में संजय लीला भंसाली की पहचान है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ फिल्मों में आपकी भी पहचान है। क्या संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार और उन तमाम युवा, जो हम अगर बात करें जो युवा है जो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं, जो एक्टर है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए छत्तीसगढ़ की सरकार को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी सारी फिल्में हसदन पगली फंस जावे जैसी या सैया भुइया जैसी हिट नहीं होती है। बहुत सारी फिल्में हैं जो बहुत अच्छा धंधा नहीं कर पाती है, और बहुत सारे निर्माता हैं जिनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत सारे निर्माता मुश्किल से साल में दो तीन फिल्में हिट हो पाती है जिनका पैसा निकलता है, बड़े मुश्किल से। बाकियों का पैसा नहीं निकल पाता, बहुत तकलीफ में है वो। आप हसदन पगली की सफलता से मत सोचो कि छत्तीसगढ़ की सारी फिल्में सुपरहिट नहीं होता ऐसा। उन प्रोड्यूसरों की मदद करने के लिए, उन छत्तीसगढ़ी प्रोड्यूसरों की मदद करने के लिए हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारी कुछ बहुत सारी मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे हैं, उन मांगों पर प्लीज कृपया वो ध्यान दें। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार, ये जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, ये हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार है, ताम्रध्वज साहू जी हैं, ये हमारी मांगों को बहुत दिल से ध्यान देंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम जैसे धीरे धीरे वो हमारी बातों को ध्यान दे रहे हैं, हमारे साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी दूसरी मांगों को भी मानेंगे और हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को सहारा देंगे, जिनकी सहारे की हमें बहुत सख्त जरूरत है, सरकार के सहारे की हमें बहुत सख्त जरूरत है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध जी, जैसे कि अमूमन हमने देखा है कि स्थानीय भाषा को एक चीज जी 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 पुष्पेंद्र जी, एक चीज सतीश भैया एक चीज बोले है कि हमें सरकार से मदद चाहिए, सरकार मदद करे, लेकिन मोला एक चीज कहना है। अनिरुद्ध जी एक सेकंड। जी जी, मोला एक चीज जरूर कहना है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म में जेन डायरेक्टर आते ते मन सीख के नहीं आते, एकर से बहुत फिल्म एती होती होते, ओ मनला ओ पैसा नहीं कमा सकते। सतीश भैया आजकल सीख के आए है, आजकल सोच समझ के फिल्म बनाते, तो मोला लगते कि जेन प्रोड्यूसर डायरेक्टर है ते मन सतीश भैया से सीखे। मैं खुद सतीश भैया से सीखता हूँ, मनोज वर्मा से सीखता हूँ, प्रेम चंद्राकर से सीखता हूँ, और सीखे के बाद मैं रंगरसिया बनाए रहे हूँ, सफल भी से।
अब का बड़े सफल मैं मानता हूँ कि हर पिक्चर नहीं हो सके जी। मोला मालूम है कि सतीश भैया से सीखे में कोना गुरुज नहीं है, तो सब जन सीख के काम करी तो मोला लगता है कि साल के 20 फिल्म में से 10 फिल्म हिट होगी, ये बात ला आप जान लो जी। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरह से हम पिछले सालों हम देखते आए हैं कि अपनी क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा को बढ़ाने के लिए कई तमाम कवायदे होती हैं, आंदोलन हो जाते हैं, और जब एक पर्टिकुलर दिन पे हम वो दिन भी बना लेते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ी भाषा का आज दिन है या पर्टिकुलर हिंदी भाषा का आज दिन है, क्या अब लग रहा है कि छत्तीसगढ़ एक नई परिपाटी पर दौड़ रहा है? देखिए क्या है कि परिवर्तन की जो है बयार जो अब दिखने लग गई है, जो आपका सवाल है। देखिए क्या है कि छत्तीसगढ़ की एक तस्वीर बड़ी अजीब सी थी यहाँ पे, मतलब शहरी छत्तीसगढ़ और कस्बाई और ग्रामीण छत्तीसगढ़, शहर एक तरफ कस्बा और गांव एक तरफ, और यह है कि शहर का जो आदमी यहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे बहुत कम छत्तीसगढ़ी बोलने वाले होते थे, और कस्बे और गांव से जो यहाँ पे स्टूडेंट जो पढ़ने आते हैं, मतलब जो छत्तीसगढ़ वहाँ पे गांव और कस्बे में तो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं लेकिन शहर में आके यहाँ पे जो है हिंदी बोलने लग जाते थे, तो एक बहुत अजीब सा जो यहाँ पे मिक्स जो दिखता था प्रभाव, अब ये घटेगा क्योंकि अभी जो कांग्रेस की सरकार जो बनकर आई है, नरवा गरवा घुरवा बारी छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, इनका तो नारा ही यही है, और यही नहीं यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार के जो मंत्री वो मंच से छत्तीसगढ़ी भाषा की वकालत कर रहे हैं, जैसे भूपेश बघेल जी हैं, संस्कृति मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हैं, और आज जो हर जन पगली फंस जावे। देखिए क्या है कि मल्टीप्लेक्स पे पहले भी छत्तीसगढ़ी फिल्म लगी, लेकिन मल्टीप्लेक्स में एक ये हो गया कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ी फिल्म नहीं चलती, और वही है कि मल्टीप्लेक्स उन्हीं बातों को मल्टीप्लेक्स वाले लेकर बोलते थे कि हमारा पॉपकॉर्न नहीं बिकता, हम छत्तीसगढ़ी फिल्म लगाए तो कैसे लगाए। आज इसका जवाब जो है हर जन पगली हर जगह मिल गया है, ना कि ग्रामीण और कस्बाई दर्शक छत्तीसगढ़ फिल्म को देख रहा है, शहरी दर्शक भी देखने के लिए बहुत तत्पर है। एक जिज्ञासा पैदा हो गई है कि आखिर क्या है, तो जो आप छत्तीसगढ़ी भाषा की जो बात कर रही थी, तो एक इसकी शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ी सिनेमा में सहयोगात्मक जो सरकार का रवैया है वो एक शुरू हो गया है, और सबसे अच्छी बात यह कि छत्तीसगढ़ समय में किसी योग्य आदमी को सरकार वहाँ पे बिल्कुल बैठाएगी और हमारी गाड़ी जो है और गति के साथ आगे बढ़ेगी, ये मुझे आने वाले समय के लिए नजर आता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी चर्चा में शामिल होने के लिए। अनुकृति, ढेर सारी आपको बधाइयाँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए, और साथ ही पुष्पेंद्र जी आपकी आने वाली फिल्म के लिए भी ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत आपकी भी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जी। सतीश जी, बहुत संक्षेप में आप